अगर हमारी आबादी अधिक है तो अब हमारा हक नहीं देंगे कहां कहां से वंचित करेंगे और जो प्रधानमंत्री जी क्या भाषण है उद्बोधन है उन्होंने ही तो मन से कहा था कि मैं अति पिछड़े बिरादरी से आता बनारस यूनिवर्सिटी में वहां के नौजवान हॉस्टल मैं पिछड़े वर्ग के हस्टल की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कौन है प्रधानमंत्री देश का कौन है सांसद वहां का आपका चुनावी एजेंडा रहा मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई प्रमुख सचिव के नेतृत्व में उसने भी कहा कि पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय हुआ है 1911 से तकवर्ती होनी चाहिए कांग्रेस में जितनी आबादी उतने हक के हिसाब से क्या कार्यकर्ताओं नेताओं को जगह मिलती है क्या दिया है योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है प्राइवेट अस्पताल गोरखपुर में गिरोह है लूट लेते हैं लोगों को क्या लगता है प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी या फिर किस सीट से चुनाव जब जब जुल्म हुआ किसानों के ऊपर गोली चली आदरण प्रियंका गांधी जी लड़ने के लिए लखीमपुर चले गए मैं तो बहन जी को हाथ जोड़ के कह रहा हूँ देश बचाना है संविधान बचाना है लोकतंत्र बचाना है गांव बचाना है गरीब बचाना है आरक्षण बचाना है तो बहन जी इंडिया गठबंधन में आइए आपका स्वागत है कितने मुकदमे हो गए अब तक आपके ऊपर चलाले ले बुलडोजर चला गोली चलाले लाठी भेज दे जेल अजय लल्लू डरने वाला नहीं मजबूती से मुकाबला करेगा प्रधानमंत्री तो जी मेरी बात का एक जवाब दे दे आरक्षण कोई भीख नहीं है वो अधिकार है और अधिकार चुनी सरकार को देना पड़ेगा स्टूडियो में कह के जा रहा हूँ आपके सामने कि योगी जी दस का सीट अगर आंकड़ा पार कर लेंगे इस गठबंधन के सामने तो फिर मैं आपसे हाँ बात यूपी की राजनीति में भले ही कांग्रेस फिलहाल हाशिए उत्तर प्रदेश में जमकर गूंजी वो आवाज ऐसी गूंजी कि कहीं कोई मामला हो कोई पीड़ित हो कोई शोषित हो लेकिन वो नेता स्कूटर से लेकर किसी भी तरीके से पीड़ित के पास दौड़ लगाता हुआ नजर आता था और इस नेता का ये इतिहास है कि अब उन पर लंबी मुकदमों की फेरिस्त है नमस्कार मेरा नाम है मोहित और आज यूपी तक के खास मेहमान हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका धन्यवाद सर अभी जो सबसे बड़ी चर्चा जो हम कर रहे हैं कि हाल ही में राहुल जी ने बयान दिया कि जितनी आबादी उतना हक आखिर उन्हें ऐसा बयान क्यों देना पड़ा क्या राजनीति है राजनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं आदड़ी राहुल गांधी जी सदैव पिछड़े दलित शोषित वंचितों की आवाज सड़क से लेकर सदन तक उठाए छत्तीसगढ़ की एक रैली में आदड़ी राहुल गांधी जी ने कहा कि जाति जनगणना भारत का एक एक्सरे मशीन है पचासवीं अधिवेशन में आदड़ी मलका अर्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में जो अधिवेशन हुआ उसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी श्रीमती प्रियंका गांधी जी आदरी राहुल गांधी जी और अन्य सभी वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट तौर से यह प्रस्ताव पारित किया कि जाति जनगणना सरकार कराए या मांग उठाई वहां से आगे और बढ़ेंगे तो जाति जनगणना की शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश में महाजन कमेटी किसने बनाई अर्जुन सिंह जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में बना आगे बढ़ेंगे मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किसने किया और आगे बढ़ेंगे आदरणीय अर्जुन सिंह जी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय रहते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालयों में 27 प्रतिशत आरक्षण टीचरों की भर्ती में दी अब आप एक बात बताइए जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश में सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए अपने जनगणना सर्वेक्षण में नस्ल जाति की जनगणना की जाती है यदि नस्ल जातीय सर्वेक्षण करना वैध है तो भारत में जाति जनगणना करना क्यों नहीं जरूरी है अमेरिका और ब्रिटेन जैसे और अगर अगर उसके आगे अगर आप देखेंगे तो जाति जनगणना के तमाम पहलू हैं जिस विषय पर अगर चर्चा होगी तो एक लंबी बातचीत होगी अगर आप देखेंगे जाति जनगणना के हालात तो केंद्र सरकार के मंत्रालयों में एक भी अतिरिक्त सचिव नहीं है एक भी अतिरिक्त सचिव नहीं है अगर ओबीसी का सचिव एक एस तीन एस संयुक्त सचिव चार प्रतिशत एस सी तीन प्रतिशत एस और सात प्रतिशत मात्र ओबीसी है आधिकारिक रूप से अगर देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में 2021-22 में जो अभी सर्वे जारी हुआ है आईआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों का एससी एसटी ओबीसी की फैकल्टी में 70% से अधिक पद खाली है 70% वैकेंसी खाली केंद्रीय विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है एक कुलपति एससी का एक कुलपति एसटी का ओबीसी के चार अगर और आगे आएंगे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दो रजिस्ट्रार एस के पांच एस के और तीन ओबीसी के अगर यह आंकड़े देखकर आपको समझ में आया होगा कि कितनी जाति ओबीसी एससी और एस के साथ इस सरकार में हुई है आप याद करिए ना क्या बनारस यूनिवर्सिटी में वहां के नौजवान हॉस्टल पिछड़े वर्ग के हॉस्टल की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कौन है प्रधानमंत्री देश का कौन है सांसद वहां का नरेंद्र मोदी जी तो है क्यों नहीं उस पर शांति पूर्वक विचार कर रहे हैं उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती का नौजवान उन्नीस हजार शिक्षक जो दलित और पिछड़े वर्ग के होने चाहिए आज भी सड़कों पर आंदोलन पर है कोई सुनवाई हो रही है आयोग बनाया आपने पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दिया वैधानिक मान्यता है कोर्ट ने कहा उसके बाद भी आप उसके कान पर नहीं रहेगी आपका चुनावी एजेंडा रहा मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई प्रमुख सचिव के नेतृत्व में उसने भी कहा कि पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय हुआ है उन्नीस हजार शिक्षक भर्ती होनी चाहिए चुनाव में आपने कहा हम तिरसठ सौ तिरासी सौ लोगों की भर्ती करेंगे चुनाव बीत जाने के बाद आपका वादा खत्म तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और चरित्र है यह देश के सामने है किस तरह दलित पिछड़ों के साथ एसटी के साथ धोखा करे छात्रवृत्ति खत्म आ छात्रवृत्ति मिल रहा है एक साल से किसी बैकवर्ड को छात्रवृत्ति मिल रही है नहीं मिल रही है तो आपकी मनसा स्पष्ट है कि जो पिछड़ा जो जाति जनगणना बिहार सरकार में हुई चौसठ प्रतिशत पिछड़ा देश पिछड़ा। के सामने आ गया आती पिछड़ा और पिछड़ा का बिल्कुल जैसे अजय जी आपने अभी बताया बनारस का मुद्दा और प्रधानमंत्री मोदी की हमने बात की कल प्रधानमंत्री बक्सर में छत्तीसगढ़ में थे उनका आरोप है कांग्रेस पर कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर देश में हिंदुओं को बांटना चाहती है क्या लगता है आपको भैया हिंदुओं को बांटने वाली बात है भैया देश में संपत्ति का अधिकार संपत्ति पर अधिकार सबका बराबर है इस देश में बराबरी का दर्जा सबको मिलना चाहिए और जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी तो मिले जगदेव बाबू का जो नारा था तो अगर हमारी आबादी अधिक है तो अब हमारा हक नहीं देंगे कहां से वंचित करेंगे नौकरी से शिक्षा से रोजगार से घर से सामान से संपत्ति से सभी चीजों पर कुछ लोगों का राज होगा ये देश में पिछड़े और दलित और एस का अधिकार मिलना चाहिए कि कि नहीं नहीं मिलना चाहिए प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी नहीं देंगे। प्रधान जी कह दे हम देंगे ने तो ये कल साफ कर दिया कि उनका उद्देश्य यहां पर देश में अगर कोई सबसे बड़ी आबादी है वो गरीबों की है और उनका मकसद भी सिर्फ गरीबों के कल्याण का है वो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर उनका यह बयान है प्रधानमंत्री जी मेरी बात का एक जवाब दे देते कि पिछड़े वर्ग का जो क्रीमी लेयर है वो तो छियालीस हजार रुपया है अगर छियालीस हजार एक रुपया किसी का हो जाएगा तो उसके बैकवर्ड का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा और ईडब्ल्यू एस का आठ लाख रुपया है क्या पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं है नहीं तो ये क्या अन्याय और बने? और समाज में आरक्षण क्यों लागू हुई कि सभी लोगों को एक समान व्यवस्था के अंतर्गत लाया जा सके आरक्षण कोई भीख नहीं है वो अधिकार है और अधिकार चुनी सरकार को देना पड़ेगा आप नहीं देंगे आपको उखाड़ के फेंक देंगे और बिहार की जनगणना ने तो देश का आग खोल दिया है अब दीजिए राजनीतिक सामाजिक आर्थिक नौकरी हर जगह अब पिछड़ा दलित और एस अपना अधिकार मांगेगा और चौरासी प्रतिशत है साहब देना तो पड़ेगा अगर जाति जनगणना होगी तो जो सामान्य वर्ग में गरीब लोग हैं उनकी भी तो गणना होगी किसी की राजनीतिक स्थिति क्या है सामाजिक स्थिति क्या है आर्थिक स्थिति क्या है तो देश में सामाजिक आर्थिक और सारे हालात और आयाम जानने का अधिकार है कि नहीं है तो जनगणना इसी का तो नाम है और इससे क्यों भाग रही है भारतीय जनता पार्टी जवाब देना महिला आरक्षण में आपने कह दिया महिला आरक्षण देंगे संसद से बिल पास करा लिया डेट बताया नहीं जनगणना का कोई सुनिश्चितता नहीं है दो में होना था वो आगे चला गया वो कब होगा जनगणना इसका भी पैमाना नहीं है तो इकतीस में लागू करेंगे कि उनतालीस में लागू करेंगे और संसद का पूरा विपक्ष यह कहता रहा कि पिछड़ों को भी हक दे दीजिए इसमें आबादी है साहब उसकी उनके घर की भी औरतें विधायक बने सांसद बने पंचायती राज में मैदानी राजीव जी ने दिया ना उसका लाभ आज प्रत्येक परिवार के लोगों को मिलता है ना हर जाति एस सी एस टी ओ बी सी या सामान्य सदस्य क्षेत्र पंचायत प्रधान जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष इन तमाम नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष वार्ड सभासद काउंसलर के रूप में होता है ना तो वो अगर जाति जनगणना हो जाएगी अगर आप ओबीसी को आरक्षण देंगे कौन सी बुरी बात है ये जो जातिगत जनगणना की हम बात कर रहे हैं हमने आरक्षण की बात की तो जब प्रधानमंत्री बात कहते हैं कि हम हमारे लिए गरीब महत्वपूर्ण हैं तो क्या आरक्षण को आप एक गरीबी हटाओ योजना की तरह देखते हैं या फिर ये किस तरीके से देखते हैं ये प्रतिनिधि का मामला है गरीबी हटाओ जब संपत्ति आएगी लोग नौकरी में जाएंगे लोग सामाजिक क्षेत्र में जाएंगे शैक्षणिक जगह पर जाएंगे तभी उनका परिवार का आयाम बदलेगा उनकी तस्वीर बदलेगी और संपत्ति का बराबर हक मिलेगा अधिकार मिलेगा आदरणीय राहुल गांधी जी ने क्या कहा नब्बे में तीन सचिव और हमारे नेता हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जिस मजबूती के साथ आज ओबीसी के हक हकूक और अधिकार की बात आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं आज पूरा बैकवर्ड दलित और एसटी का समाज अब इस बात को मानने को तैयार है कि हां निश्चित तौर से यह हमारा हक दिलवाने का काम करेंगे और जो प्रधानमंत्री जी क्या भाषण उद्बोधन है उन्होंने ही तो मन से कहा था कि मैं अति पिछड़े बिरादरी से आता हूं उनके जेपी नड्डा जी अभी संसद में कह रहे थे तो भैया आप पिछड़ा भी कहते हैं पिछड़े का हक भी नहीं देते हैं तो एक आदमी दो तरह का बयान कैसे हो सकता है आपको दोनों बात करनी पड़ेगी दोनों चीजों को स्पष्ट करना पड़ेगा और मैं तो कह रहा हूं लोकसभा का चुनाव आने वाला है ना देश में जाएंगे इनके सांसद और रिलायंस के लोग विधायक जाएंगे मंत्री जाएंगे पिछड़ा इनसे सवाल करेगा कि आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे क्यों हमारे आरक्षण पर डाका डाले क्यों हमारे अधिकार पर डाका डाल रहे हैं क्यों हमारी संपत्ति पर डाका डाल रहे हैं अगर आप हमारी आवाज नहीं उठाएंगे बाहर जाइए दूसरा कोई आएगा आ, हम बात कर रहे हैं जितनी आबादी उतना हक राहुल गांधी का ये बयान है कांग्रेस पार्टी में आप भी पिछड़े समाज से आते हैं और पिछड़े वर्ग से आते हैं आपने पूरी राजनीति का लंबा कैरियर देखा है कांग्रेस में जितनी आबादी उतने हक के हिसाब से क्या कार्यकर्ताओं नेताओं को जगह मिलती, मिलती है आप बिल्कुल मिलती है आप सी डब्ल्यू सी का लिस्ट उठा के देख लीजिए आगे के भी लिस्ट उठा के देख लीजिए हर जगह पर बराबर का हक है ए का जनरल सेक्रेटरी का देख लीजिए ए सेक्रेटरी का देख लीजिए हम समान अनुपात की, की बात करते हैं और समान अनुपात देते हैं हम बराबरी का हक दर्जा देने की विश्वास आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने आदरणीय सोनिया गांधी जी ने आदरणी राहुल गांधी ने दिया है आदरणीय प्रियंका गांधी जी निरंतर आवाज उठाती है और ये जो कास्ट सेंसक का है ना मध्य प्रदेश में इनकी सरकार को उखाड़ फेंकेगा ये आप देखते जाइएगा और आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि इस बार अगर सरकार बनी तो मध्य प्रदेश में जाति जनगणना राजस्थान में जाति जनगणना छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना तेलंगाना में जाति जनगणना और पुराना पेंशन ये हमारे मैनिफेस्टो में, में है और निश्चित तौर से हमारी गारंटी योजना में दो राज्यों में हम कर चुके हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जी। आने वाली स्टेट में भी हमारे वादे में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जातिगत जनगणना भी हो सकती थी अभी तक लेकिन पांच साल बीत जाने के बाद अभी तक वहां नहीं हुई इसका कोई कारण नहीं देखिए जातिगत जनगणना हम संसद में इस आवाज को उठा रहे हैं चूंकि जातिगत जनगणना पूरे देश का होना था मांग कर रहे थे लेकिन बिहार ने एक नजीर पेश की जैसे पुराना पेंशन का मुद्दा उठ रहा था तो पुराना पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है तो राजस्थान सरकार ने पहले कर दिया छत्तीसगढ़ की सरकार ने कर दिया मध्य प्रदेश ने वादा किया हिमाचल की सरकार ने कर दिया हिमाचल में सरकार बनते ही तो हम जो कहते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी का स्पष्ट कहना है हम जो जनता से वादा करेंगे वो करेंगे और इसका तस्वीर और नजीर ढेर सारे उदाहरण है जो आपके सामने है अजय जी हम अगर आ, इंडिया गठबंधन की तरफ अगर चलें तो अखिलेश यादव के साथ क्या कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबल महसूस कर रही है क्योंकि जिस तरीके से बयान देखे जा रहे हैं दोनों तरफ से क्या लगता है आपको अखिलेश यादव है इंडिया गठबंधन के साथ और कब तक जुड़े रहेंगे देखिए इंडिया गठबंधन का पूरा आपके सामने और सभी हमारे गठबंधन के साथ ही आज मजबूती के साथ एक साथ खड़े हैं बिहार में जब बैठक हुई तो लोग कहे कि ये नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे सब पहुंच गए जब बैंगलोर में बैठक हुई तो कहे ये नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे सब पहुंच गए और महाराष्ट्र में जब हुआ तो तीन और अधिक पहुंच गए तो ये जो कयास है ना कयास मुझे नहीं लगता कि ठीक है गठबंधन के सारे साथी एक साथ हैं मजबूती से एक साथ खड़े हैं और ऐसे तमाम बयान और उदाहरण आपके सामने आए हैं और मैं समझता हूँ कि क्या इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ इस भारतीय जनता पार्टी को विदा करने जा रही है नहीं अजय जी जो आप कयास की बात कर रहे हैं कयास वाली बात नहीं है क्योंकि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश जाते हैं अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ जाते हैं अभी हाल ही में उन्होंने उत्तराखंड में भी एक सीट पर चुनाव लड़ा तो अखिलेश यादव मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जा रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी अब मुख्य विपक्षी है और मजबूत स्थिति में है जहां पर भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर देखी जा रही है तो क्या कांग्रेस को नहीं लगता है कि उसको नुकसान हो सकता है अखिलेश यादव के वहाँ आने से देखिए ये जो फैसला होता है ना पोलिटिकल फैसला होता है और इसके लिए जो हमारे वहाँ के राष्ट्रीय महासचिव हैं आदाड़ी श्री सुरजेवाला जी और आदाड़ी श्री कमलनाथ जी हमारे सी लीडर श्री गोविंद सिंह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब निश्चित तौर से ये लोगों की बातचीत होगी और क्या होगा नहीं होगा ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी अभी तो चुनाव लंबा है टाइम है अभी तो गठबंधन में अखिलेश यादव को कितनी सीटें देने की मैं क्या कर रहा हूँ ये पॉलिटिकल फैसला होता है तो इस पॉलिटिकल फैसले में मायावती बसपा प्रमुख मायावती गुंजाइश है कि वो इंडिया गठबंधन में आएंगी। देखिए मैं तो बहन जी को हाथ जोड़ के कह रहा हूँ देश बचाना है संविधान बचाना है लोकतंत्र बचाना है गांव बचाना है गरीब बचाना है दलित पिछड़ा वंचित शोषित सबको बचाना है आरक्षण बचाना है तो बहन जी इंडिया गठबंधन में आइए आपका स्वागत है तो ये आपकी जो अपील है उम्मीद है बसपा प्रमुख मायावती के पास तक पहुंचेंगी और वो कुछ कदम उठाएंगी आगे अगर हम बात करें रायबरेली अमेठी जो कांग्रेस की एक परंपरागत सीटें रही हैं क्या लगता है प्रियंका गांधी रायबरेली अमेठी या फिर फूलपुर किन किस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं ये तो उनको तय करना है राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना आपने है। उनके साथ संघर्ष किया है बिल्कुल आज भी मैं उनके साथ हूँ हमारी नेता है उनका सम्मान है और उनके साथ खड़ा हूँ कल भी था आज भी हो आगे भी रहूंगा एक, एक कि कांग्रेस में और खासतौर से यूपी में ऐसा देखा गया है कि कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व की पहुंच उतनी आपस में नहीं है कार्यकर्ताओं को शीर्ष नेतृत्व पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है क्या आप मानते हैं इसको कौन कहता है जब आते हैं दिल्ली मिलके जाते हैं हमारे सीन्स नेता जाते हैं वहाँ उनसे मिलते हैं एक एक करके मिलते हैं और हमारे जो शीर्ष नेता हैं आदरणीय मलकर खड़गे खड़ साहब आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी और भी तमाम हमारे जो लीडर हैं बहुत आसानी से मिलते हैं और कार्यकर्ता के एकदम निकट है उनके दिल में आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में जब जब जुल्म हुआ किसानों के ऊपर गोली चली आदड़ी प्रियंका गांधी जी लड़ने के लिए लखीमपुर चली गई हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ आदरणीय राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी हम सब लोग उस लड़ाई को लड़ने के लिए चले गए सीतापुर की घटना हुई वहाँ पहुंच गए उम्भा की घटना हुई आदिवासियों की हत्या हुई आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने मोर्चा संभाला लखनऊ में सी की घटना हुई वहां आदरणीय प्रियंका गांधी ने मुजफ्फरनगर मेरठ बिजनौर जाकर लोगों के साथ खड़ा होने का संकल्प लिया और मजबूती से खड़ा हुई तो किस जगह कार्यकर्ताओं के साथ आदरणीय प्रियंका गांधी नहीं खड़ी हुई और हमारा शीर्ष नेतृत्व नहीं खड़ा हुआ तो ये जो सवाल है ये जो सवाल है उसी में आपका जवाब छिपा हुआ है अच्छा अभी आपने इतना जो बताया कि जो संघर्ष या आप तमाम जगहों पर गए आपने भी बहुत ज्यादा जगहों पर कभी आप स्कूटर से कभी वो आपकी तस्वीरें वायरल होती थी या आपकी वीडियोज आते हैं कितने मुकदमे हो गए अब तक आपके ऊपर राजनीति में मुकदमे इनाम होते हैं और जेल अस्थायी घर और जिस नेता का रजिस्टर नंबर आठ में नाम न हो संघर्षों में किसान नौजवान गांव गरीबों की आवाज उठाते हुए वो तो नेता नहीं हो सकता ये हमारे गुरु ने हमको पढ़ाया है और निश्चित तौर से जब जनता की आवाज उठाएंगे तो सरकार का प्रहार तो चलेगा मुकदमे तो लिखे जाएंगे जेल तो भेजे जाएंगे तो जेल से लल्लू कहाँ डरता है मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश के तमाम जेलों में रहने का भी कोरोना काल में डेल में लखनऊ ललितपुर जब गाय बचाओ यात्रा में था उस समय जेल गया गोरखपुर की घटना हुई उस समय मैं गया तो जेल गया पडरौना में किसानों के ऊपर गोली चली उस समय मैं गोरखपुर जेल में रहा अगर वहाँ पर खनन का मामला था हमारे तम कोई विधानसभा में उसकी आवाज़ उठाई उसमें जेल गया सत्रह दिन तो जेल से तो अपना पुराना रिश्ता ना था सरकार चला ले बुलडोजर चला ले गोली चला ले लाठी भेज दे जेल लल्लू डरने वाला नहीं मजबूती से मुकाबला करेगा सरकार की लाख वो दीवार खड़ी हो हम अपने हौसलों से उसे तोड़ देंगे लेकिन किसी की आवाज़ दबने नहीं देंगे आपने कहा कि सरकार की दीवार को तोड़ेंगे कैसे देखते हैं योगी सरकार के कामकाज को और जो उनकी तमाम चीजें हैं एक ये काम बता दीजिए तो बता दे मुख्यमंत्री योगी जी गोरखपुर से आते हैं और कभी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ने उनको नेता बना इनसे फ्लैटिस सावधान पत्रकारों का जाना वर्जित है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट नहीं कर सकते <laughs> और अभी तो कल यहाँ के सारे पत्रकारों को उठाकर इस सरकार ने क्या क्या यूपीपीए लिख दिया दो लोगों पर और लोगों को बैठाकर और उर्मिलेश जी जैसे विद्वान आदमी को उठा है तो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज आज भी वेंटिलेटर पर है सात साल सरकार के हो गए साहब उनसे कोई सवाल पूछता है आज गरीब आदमी उस अस्पताल में जाता है इलाज नहीं होता है प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है अब प्राइवेट अस्पताल गोरखपुर में गिरोह है लूट लेते हैं लोगों को घर गहना जमीन बंद कर लोग अपना इलाज कराने पर विवश होते हैं एम्स का उद्घाटन हुआ एम्स चला आज तक केवल ओपीडी चला सात सालों में तो एक कोई काम योगी जी जो योगी जी इतनी तो बड़ी बड़ी ढीं झाकते हैं अपने शहर का स्वास्थ्य व्यवस्था जो उनके हाथ में जितनी भर्ती करनी चाहे कर ले नहीं संभाल पा रहे हैं। वो क्या कर पाएंगे कोई भर्ती बता दे पांच लाख से अधिक शिक्षक का भर्ती का पद खाली है और सात साल में उनकी भर्ती बंद पड़ी हुई है आज पांच साल हो गए उनकी भर्ती को बंद पड़े सात साल नहीं सॉरी पांच साल से एक भी भर्ती नहीं हो रही है दरोगा की भर्ती लेखपाल भर्ती यूपीएससी की भर्ती सबका पेपर लीक आउट हो पाया भर्ती तो नौजवानों के साथ धोखा जितने भी छोटे बड़े उद्योग थे कानपुर की चमड़ा उद्योग देख लीजिए फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग देख लीजिए बुनकर देख लीजिए मेरठ का आप बैट और तमाम चीजें जो बनती थी क्रिकेट के सामान उसको देख लीजिए अलीगढ़ का ताला चाबी उद्योग देख लीजिए जो पूंजी होती थी मुरादाबाद का जो पीतल उद्योग देख लीजिए सब तो प्राय पड़ा हुआ है भदोई के लोग अभी गए थे उनके पास कारपेट का उद्योग खत्म सब अंतिम सांस में है किस बात की बाबा पीट रहे योगी जी अपराध तो रुक नहीं रहा महिलाओं के साथ घटना आम बात हो गई महिला सिपाही कांस्टेबल के साथ अयोध्या तो की ट्रेन में किस तरह की घटना आपने देखा होगा दरोगा के साथ घटना थाने के अंदर पुलिस द्वारा मारपीट के लोगों की मौत कस्टडियल मौत सरेआम सड़क पर पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्या सांसद और विधायक की हत्या क्या है उत्तर प्रदेश में आवाज को दबाना कुचलना इसके अलावा ये सरकार कुछ नहीं जानती गोरखपुर शहर वहां किसान जमीन के मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहा है जबरदस्ती ली जा रही है बिना समझौते के पीपीगंज में उनके संधि क्षेत्र में ली जा रही है बिना उनके सहमत के गन्ने का दाम नहीं गन्ने का भुगतान नहीं एक भी शुगर चली इसके अलावा नया कोई चीनी मिल नहीं चला क्या दिया है योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है और फिल्मी डायलॉग मारने से कितने दिन चलेगा योगी जी दिखाना पड़ता है करना पड़ता है ऐतबार समाप्त हो गया है जाने वाली है ये सरकार अब अजय जी जो आप तमाम आपने बातें कही अस्पतालों से लेकर और इन मुद्दों को यूपी तक हमेशा उठाता रहा है स्थानीय मुद्दों से लेकर हर एक जन की आवाज़ यूपी तक ने उठाई है और बहुत ही निष्पक्षता के साथ उठाई है बिल्कुल हाँ मैं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से और आप लोग निरंतर यूपी तक को मैंने देखा है कि आप लोग हर आदमी की आवाज़ उठाते हैं इसके लिए आपको धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी लेकिन अब मैं अपने इंटरव्यू की इस पूरे चर्चा के आखिरी पड़ाव हुए हैं हम लोग तो क्या लगता है 2024 को लेकर कांग्रेस की कितनी तैयारी है और कितनी सीटें कांग्रेस सोच रही है कि इतनी सीटों तैयारी है और हम इतनी सीटें जीत जाएंगे सिर्फ एक प्रदेश की बात बताइए हाँ मैं प्रदेश की बात कर रहा हूं भाजपा का बयान अब आ पा रहा है घबराहट छटपटाहट में है कि नहीं मैंने कल पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को जातिगत जनगणना कराने के लिए योगी जी जातिगत जनगणना करा दे अगर बिहार करा सकता है तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं करा सकता है मैं तो धन्यवाद दूंगा बिहार के मुख्यमंत्री आदरित श्री नीतीश कुमार जी को और आदरित श्री तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री जी को दोनों ने मिलकर संयुक्त प्रयास से जातिगत जनगणना करा दी तो उत्तर प्रदेश भी कराए उत्तर प्रदेश की भी जनता चा, चाहती है और जो सवाल आपने किया उत्तर प्रदेश में आज नौजवान गांव गरीब किसान दलित पिछड़ा आदिवासी हर आदमी तैयार है महंगाई की मार झेल रहा है जीएसटी से परेशान है ये सारे लघु उद्योग पूरी तरह समाप्ति के कगार पर है विकास पूरी तरह गायब हो चुका है उत्तर प्रदेश से स्वास्थ्य नहीं शिक्षा नहीं रोजगार नहीं महंगाई हर चीज से परेशान है उत्तर प्रदेश के विदाई का समय इस लोकसभा चुनाव से आने जा रहा है और आप मैं इस स्टूडियो में कह के जा रहा हूं आपके सामने कि योगी जी दस का सीट अगर आंकड़ा पार कर लेंगे इस गठबंधन के सामने तो फिर मैं आपसे बात करूंगा चलिए ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी इनके तमाम दावे हैं 2024 को लेकर उनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 10 सीटें भी पार कर ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका आपने जो अच्छा लगा समय निकाला और हम ऐसे ही तमाम चर्चाओं को लेकर तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर आपके साथ आते रहेंगे तब तक देखते रहिए यूपी तक